किचन विद नादिया फैसल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत डिलीशियस और टेस्टी बनता है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1/2 किलो चने की दाल ली, जिसको बॉयल करके रख लिया। अब इसको पीस लेते हैं, पीस के फिर हलवा बनाते हैं। दाल को मैंने पीस लिया है, मैंने घी गरम करने रखा है। घी गरम हो जाए तो उसमें मैं इलायची शामिल करती हूँ, फिर दाल शामिल करेंगे इसके अंदर। घी गरम हो गया, मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये चने की दाल किसी भी वो शामिल कर रही हूँ। ये दाल को इसमें अच्छी तरह भूंजेंगे, कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको भून लेते हैं। इसको भूनते हुए 20 मिनट हो गए, ये अच्छी तरह से भून गया है। और अब इसको मज़ीद और भूनेंगे ताकि इसका कलर और डार्क हो जाए और अच्छी तरह भून जाए। दाल को 1 घंटे के करीब हो गया भूनते भूनते बिल्कुल हल्की आँच पर। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह। एक पतीली में 1.5 कप चीनी शामिल करिए, 2 कप पानी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ कतरे केवड़े के, और ये चाशनी तैयार कर लेते हैं। चमचा मैंने घी गरम किया, इसमें पिस्ते, काजू, बादाम और अखरोट, ये सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर हलवे में शामिल करेंगे। बादाम पिस्ता फ्राई हो चुका, अब इसको हम इसमें हलवे में शामिल कर देंगे। और ये जो चाशनी तैयार करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे इसमें। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देंगे। हल्की आंच पे पक रहा है, इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी चाशनी ड्राई हो जाए और घी इसमें से सेपरेट हो जाए। हलवा तैयार हो गया, घी भी सेपरेट हो गया, ये बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रखा है, ये तभी गाढ़ा भी हो जाएगा रखने से। चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार चने की दाल का हलवा तैयार है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें। अल्लाह हाफिज़।